इस पाठशाला की शुरुआत करने से पहले, परम पिता परमेश्वर को भी याद करने से पहले, सबसे पहले मैं मेरे गुरुजी को प्रणाम करना चाहता हूं। और मेरे गुरुजी आदरणीय डॉक्टर पंकज मिश्रा साहब, आदरणीय श्री सत्यजीत जाना साहब, और मेरे दिल के सबसे करीब मेरे अजीज, मेरे बड़े भाई और मेरे गुरु आदरणीय दुर्लभ मैती साहब, इन तीनों महागुरुओं के लिए आप सबसे निवेदन है कि एक बार खड़े होकर जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप लोगों ने कल एक ऐसा ट्रेनिंग का संगम देखा कि जहां पर चंद्रमा जैसी शीतलता थी और सूर्य जैसी चमक थी। और जब सूर्य और चंद्रमा खुद यहां साक्षात मौजूद है तो हम जैसे तारों के बाद तो शब्द ही नहीं है। हम जैसे तारों के पास तो कुछ सिखाने के लिए है ही नहीं, क्योंकि जहां पर ये दोनों महागुरुओं के पांव पड़ जाते हैं, इनके पांव पड़ने मात्र से आसपास के 250 किलोमीटर तक लोग करोड़पति बनने की फीलिंग लेने लग जाते हैं। तो आप लोगों ने इस नेटवर्क मार्केटिंग, या मैं कहूं नेस्विस रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड की वो सभी बेसिक्स गहराइयां सीखी, जिससे कि आप अपने आप में सुधार ला सकते हैं, जिससे कि आप अपने आप में डेवलपमेंट ला सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो बिजनेस आप लोग कर रहे हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग आप सभी लोग कर रहे हैं, उस बिजनेस में आप अपने आप को ग्रो कैसे कर सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि करंट बिजनेस पोजीशन से आपका फ्यूचर और ज्यादा ब्राइट हो और ज्यादा निखर के आए और आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग के इस पट पर, नेस्विस के इस प्लेटफॉर्म पर टॉप रैंकर्स, टॉप अर्नर्स या फिर टॉप परफॉर्मर बन के उभरे। तो क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप सब लोग अपने मन से, अपने दिल से, अपने दिमाग से और अपने शरीर से मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? तो मैं जानना चाहता हूं कि इस साइड में बैठे लोग मेरे साथ हैं। हाय बच्चो, मैं जानना चाहता हूं कि इस तरफ बैठे मेरे भाई और बहन क्या मेरे साथ है। हाउ डू यू, मैं जानना चाहता हूं कि इस मॉल का ये महासंगम क्या मेरे साथ है। हाउ डू यू, थैंक यू सो मच। तो बिना समय ना गवाते हुए आज के हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मेरा यह पूरा यकीन है कि अगला एक घंटा अगर आपने पूरे दिल से मुझे दिया और एक घंटा अगर मेरी बताई हुई बात को ठीक से सुन लिया तो आपके इस बिजनेस में ग्रो करने से आपको हिंदुस्तान में कोई रोक नहीं पाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात को? अगर आप सही तरीके से बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं सर, तो अपने कस्टमर को क्लियरली डिफाइन करो सर कि कौन कस्टमर है
कैसा कस्टमर है, क्या कस्टमर है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको अगर आप क्लियरली डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा उस पर होमवर्क करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा पेन लेंगे, तो बिजनेस में निश्चित रूप से ग्रो करेंगे सर। आगे चलते हैं सर, इंक्रीज लीड्स, 360 डिग्री अप्रोच। जब आप क्लियरली लीड्स को इंक्रीज करेंगे और अपने आसपास में बहुत सारे ऑफिस में, बहुत सारे जोन में 360 डिग्री पे चारों तरफ इस बिजनेस को फैला देंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ में, अगर इस बिजनेस को आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ले जा सकते हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं। ले जाइए अपनी सोच के दायरे को, अपने परिधि के दायरे को बढ़ाइए, इतना आगे ले जाइए, इतना आगे ले जाइए कि कामयाबी खुद झुक जाए कि मैं तो सदा ही तेरी हूं। आगे चलते हैं सर, ऑर्गेनाइज प्राइवेट इवेंट्स। एक बहुत बड़ी समस्या है माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है माय डियर फ्रेंड्स, जिसका सामना आप सभी लोगों को करते हैं। सर, आप लोग अपनी अपनी टीम की छोटे छोटे इंपॉर्टेंट प्राइवेट इवेंट्स को कंडक्ट करिए सर। दो व्यक्ति हो, चार व्यक्ति हो, छह व्यक्ति हो, दस व्यक्ति हो, 50 व्यक्ति हो, सर आप छोटे छोटे प्राइवेट इवेंट मतलब प्राइवेट मीटिंग्स कीजिए सर, अपनी और अपनी सेना के साथ मंत्रणा कीजिए सर, मीटिंग्स कीजिए, काउंसलिंग कीजिए, ट्रेनिंग कीजिए, पार्टी कीजिए, बातचीत कीजिए, मीटिंग करके उनके दिल की गहराइयों को समझने का प्रयास कीजिए, उनके दिल में अपनी जगह बनाने का प्रयास कीजिए, उनकी तकलीफों को, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने और समझने का और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए सर। वो टीम और वो सेना आपकी दीवानी हो जाएगी सर, और वो सेना जब दीवानी हो जाएगी सर, वो सेना जब आपकी दीवानी हो जाएगी ना सर, तो चेहरे पे मुस्कुराहट, दिल में सुकून और जेब में नोटों की बारिश हो जाएगी सर। आगे चलते हैं सर, टेक रिव्यूज ऑन एफर्ट्स। जब आप कोई एफर्ट करते हैं सर, ऐसा तो नहीं है ना कि आप खुदा है या मैं खुदा हूं, ऐसा तो नहीं है ना भाईजान। हर किसी व्यक्ति के पास में कमियां होती है, उसके एफर्ट्स में कमियां हो सकती है, मेरे भी और आपके भी। यस और नो? यस और नो? तो सर उसको रिव्यू करने का दायित्व भी हमारा है सर। ओनली एक्शन ओनली हैव रिएक्शन सर, लेकिन एक्शन के बाद में अगर उसको रिव्यू किया जाए, अगर उसको रिव्यू किया जाए कि मैं इस बार जब मैंने भाला फेंका था तो 40 मीटर पर गया था, मैंने अपने हाथ का, अपने पांव का और अपने फोर्स का प्रयोग किस तरीके से किया, अगर मैं उसको रिव्यू कर लूंगा और मैं दोबारा से सही तरीके से एंगल बना के भाला फेंकूंगा तो 88 मीटर पर जाएगा, तो नीरज चोपड़ा की तरह गोल्ड भी आ जाएगा, क्योंकि एक्शन पे रिएक्शन होते हैं, लेकिन एक्शन को जब रिव्यू करते हैं ना शिवनाथ मंडल साहब कि मैंने कुछ किया तो क्यों किया, मैंने कुछ किया तो क्यों किया, और अब इसको मैं किस तरीके से सुधार सकता हूं, अगर उसके ऊपर कोई काम करेगा तो 100% उसका बिजनेस ग्रो करेगा, 100% उसका बिजनेस ग्रो करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक्शन को रिव्यू करिए, एक ही ढर्रे पर, एक ही तरीके से, एक ही सिस्टम पे काम करते 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 मशीन कलपुर्जा खराब हो जाता है, लेकिन अगर बार बार मशीन को चेक किया जाए, बार बार उसकी ऑयलिंग की जाए,
बार बार गाड़ी की सर्विस टाइम पे की जाए तो वो गाड़ी दूर तक लंबी चलती है, रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिलती है। और अगर एक गाड़ी को खाली रगड़ा जा रहा है, रिव्यू नहीं किया जा रहा है सर, रिव्यू नहीं किया जा रहा है अपने एक्शन पे सुजीत जी, तो फिर आईडी कभी भी नहीं बढ़ती है। स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था जब वो यूएस की कॉन्फ्रेंस में थे, कीप गोइंग कीप डूइंग कीप रेस्ट कीप व्यू कीप रिव्यू एंड कीप रीचेंज टू गेट सक्सेस। चलते जाइए, करते जाइए, देखते जाइए, सुधार को करिए, फिर से करते जाइए, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी सर।